ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओ आराम से एकदम यहाँ बैठो, बैठो आराम से, सांस लो, ब्रीथ। ये लो नींबू, हल्दी और वो सौंफ का पानी है, और गटक गटक के मत पीना, आराम से पीना, सिप सिप करके। अभी हाँ? मैं ना पानी हमेशा सिप सिप करके ही पीती हूँ, गटक के पीते हुए कभी मुझे देखा है? पर तुम ना टेंशन मत लेना, ये तो फिर भी लिक्विड है, 32 टाइम्स च्यू करके ही पीऊंगी। हाँ, बस आराम आराम से पियो, पियो। अभी तुम ना मैं, हे भगवान, फिर से शुरू हो गए तुम दोनों। माँ सुनती नहीं है मेरी बात, माँ समझाइए। सुनने वाली बात भी तो होनी चाहिए ना माँ। अब कोई कहे कि बाहर दिन हो रहा है, हवा चल रही है, पानी बह रहा है, इसमें सुनने वाली कौन सी नई बात है? धूप हवा पानी कब बोला मैंने? अभी तुम, हे भगवान, बस तब शांत हो जाओ तुम दोनों। अच्छा सुनो, मैंने आरोही को, अरे आरोही, अच्छा हुआ तुम दोनों यहीं पर मिल गए, मुझे तुम दोनों से ना एक जरूरी बात करनी है। जी माँ, कहिए ना। बेटा स्वर्णा जी का फोन आया था, वो कह रही थी कि वहां पर सबको तुम दोनों की बहुत याद आ रही है, तो अगर तुम दोनों चाहो, तुम्हारा मन हो, तो कुछ दिनों के लिए तुम दोनों मायके हो आओ। मायके हो आओ मतलब मायके जाने की क्या जरूरत है? क्यों क्यों नहीं जाने? वो अभी टाइम है ना डिलीवरी में, अभी तो शुरुआत हुई है बस, अभी अभी तो अभी से जाके क्या करोगी, बाद में चले जाना। पर देखा भी, वैसे तो मैं तुम दोनों की सास हूँ, पर मैं एक औरत भी हूँ, और उससे पहले मैं एक लड़की थी, और लड़कियों के बारे में मैं इतना जानती हूँ कि उनके लिए ना मायका बहुत ही खास होता है, और ऐसे समय में तो मायका और भी ज्यादा खास लगने लगता है। तो अगर तुम दोनों का मन हो तो तुम दोनों हो आओ, और अगर मन ना हो तो ये घर तो है ही तुम्हारा। देख मैं ना, मैं अभी ज्यादा इसमें नहीं पढ़ने वाली हूँ, तुम दोनों ही आपस में डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। माँ मुझे कुछ काम है, मैं बाद में हूँ आऊंगी मायके। अच्छा ठीक है बेटा। अक्षु तुम भी बाद में हो ना मायके। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो जाना है, माँ ने तो अभी कहा ना कि उन्हें मेरी याद आ रही है, बात सुनकर ना मुझे जोर जोर से उनकी याद आने लगी, मुझे तो जाना है। एक दो दिन का ब्रेक तो चाहिए, अभिमन्यु मिलिट्री स्कूल से। अच्छा ठीक है, तो फिर अभी तुझे छोड़ कर आएगा। माँ मैं क्यों छोड़ के आऊंगा, याद आ रही ना, मैं उन सबको यहाँ ले आता हूँ। एक काम करता हूँ, अभी बड़े पापा से बात करता हूँ, तुम खोलो। अभी मैं तो उठ जा रही हूँ, तुम आ रहे हो कि नहीं मुझे ड्रॉप करने के लिए, अभी बताओ, और अगर मना किया ना तो अभी के अभी झगड़ा हो जाएगा, बाय गॉड। घर में लोगों को पता चल गया कि माय गुड न्यूज़ इज़ इक्वल टू फेक न्यूज़, तो अब तक की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये प्रीति भी कोई आइडिया नहीं दे रही है, जब तक मुझे सलूशन नहीं मिल जाता तब तक अक्षु के पीछे मैं फैमिली के साथ नंबर बना लेती हूँ, काम आएगा। हेलो, हाँ प्रीति, कोई आइडिया आया क्या? क्या वीकेंड ट्रिप? ओके रानी साहिबा, बताइए क्या नोश फरमाना चाहती हैं आप? ज्यादा कुछ नहीं, कड़ी चावल, समोसे, पास्ता और हल्की फुल्की रसमलाई, इतने में मैनेज कर लूंगी। नहीं नहीं, आराम से सोच लीजिए, कुछ मिस हो गया तो? नहीं, ज्यादा लालच नहीं करती, पर हाँ सब कुछ घर पर बना होना चाहिए, समोसे नॉट फ्राइड ओनली बेक्ड, पास्ता में सॉस हो के ऊपर नो चीज, और रसमलाई में मीठा सिर्फ इतना सा बट नो शुगर ओनली हनी। पता नहीं अक्षु रूटीन फॉलो कर रही होगी या नहीं, टाइम पे खाना खाया होगा या नहीं, दवाई ली होगी या नहीं, पता नहीं डाइट चार्ट फॉलो कर रही होगी या जंक खाया होगा, सीरियसली यहाँ से मॉनिटर भी नहीं कर सकता, टेंशन हो रही है मुझे। पेशे खिदमत है रस मलाई। वाओ! मिनट, ओए! आराम से।
अभिमन्यु का फोन है, ये ले। मुझे पता है वो क्या बोलने वाला है। रूटीन 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 रूटीन। भैया आप एक काम करो, आप ही उठा लो। अक्षु मैं क्या बात करूंगा उससे, उसे बोल दो ना कि मैं सो गई हूँ, बाद में करूंगी। प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है। हेलो अभिमन्यु, गौरव बोल रहा हूँ। अक्षु कहाँ, बात करवाइए ना। हाँ वो कह रही है, नहीं आई मीन सॉरी, वो सो रही है, सो रही है। अच्छा सो रही है, सोते सोते बहुत ही सुंदर लगती है, बिल्कुल एंजल की तरह। एक बार वीडियो कॉल करता हूँ, दिखा दीजिए ना प्लीज। क्या वीडियो कॉल? हेलो हेलो। हाँ अभी मुझे ना एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, उसके बाद मैं वीडियो कॉल करता हूँ। हाँ ओके ओके बाय बाय। बाल बाल बच गए भैया, इसी बात पे एक और बाइट तो बनता ही है। वाओ सोते हुए तुम कितनी प्यारी लगती हो ना, बिल्कुल एंजल की तरह। सब सब इसका आइडिया था, मैंने कुछ नहीं किया। अब मुझे तो कॉल आ रहा है दोबारा। हाँ फिर से ओके ओके बाय। देखो तुम ना मेरे दो मार्क्स काट लो, पर मैं यही रहूंगी यही रहूंगी यही रहूंगी, ताकि तुम ये रस मलाई भकोस भकोस के खाओ। अभी ये घर की बनी है भाई, गॉड विद्या की कसम। ऐसे पपी फेस मत बनाओ, तुम्हें ले जाने नहीं आया। सच्ची? तो तुम आराम से बैठ कर खाओ, अपना ही घर समझो। अपना ही घर समझ के अपने ससुराल में रहने आया हूँ क्या? क्या? सच में यहाँ रहने आए हो? हाँ शु, मैं भी तो इस घर के बेटे जैसा हूँ, रह सकता हूँ ना यहाँ। आप लोग कोई मना तो नहीं करेंगे ना? थैंक यू। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।